हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। आज मैं आप लोगों को कुछ नया बता रही हूँ। ये मेरी एक पुरानी सी तगारी, बोल दो आप क्या बोलते, टोकरी जैसी कुछ है वो। इसमें मेरे कुछ पहले से पौधे लगे हुए थे कलंचू, तो ये बीच का हिस्सा खाली था, तो मैंने सोचा इसको फेरी टेल गार्डन बताती हूँ, ट्रे गार्डनिंग जिसको कहते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी मट्टी ऊपर की तरफ चढ़ा दी है, ये इस तरह से। इसको मैं पहाड़ का लुक देना चाह रही हूँ, तो ये इस तरह से। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ क्या क्या चाहिए। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मेरे गार्डन के निकले हुए हैं। ये बेबी टियर है, ये सिंगोनियम है, ये कलंचू है, और इसका नाम मुझे याद नहीं है, और ये कॉलियस है। इस तरह से मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, और ये हट है। और ये कुछ टॉय है जो कि मैंने बनाए थे वो है। तो ये सब चीज़ें मैंने ली है। तो चलिए अपन बनाते हैं ट्रे गार्डन। तो सबसे पहले तो आप थीम देख लो कि आपको कौन सी रखनी है। इंडोर गार्डन प्लांट्स रखने हैं, कैक्टस रखने हैं, सकुलेंट्स रखने हैं, या फिर बाहर फूलों वाले पौधे रखने हैं। तो मेरे तो पहले से लगे हुए थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ बीच में जो प्लांट्स लग रहे थे वो हटा दिए हैं, और ये इस तरह से साइड क्रिएट करिए। अब सबसे पहले आप देख लो आपको घर कहाँ पर बनाना है। तो अगर घर कहीं बनाना है, उस पहले घर बना दो, फिर अपने प्लांट्स लगा दो उसके आसपास में। तो मुझे घर इस जगह बनाना है मेरा, तो ये मैंने अपना घर बना दिया। अब गांव का थीम है, तो कुछ पत्थर पहाड़ पे रखेंगे। तो ये इस तरह से मैंने ये पत्थर रख दिए। तो ये मेरे पास में ये मेरी ये कप के ऊपर जो ढक्कन है, वो ढक्कन था जो टूट गया, तो इसको मैं रीयूज कर रही हूँ। तो ये मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया है। तो ये देखो मैंने ये इतना सेटिंग कर दी है। और ये मेरे पास ये प्लास्टिक की ट्रे जो होती है ना, उसके ऊपर का पोर्शन था, तो मैं इसकी फेंस बना रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरे पास मैं सब ये जुगाड़ से बना रही हूँ इस तरह से। और इसी तरह से मैं इधर भी लगा दूंगी। ये कोलियस का पौधा है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ साइड में लगाती हूँ।
इसे कलर कॉम्बिनेशन देख के लगाएं। और ये थोड़ा छोटी साइज का सिंगोनियम है, तो मैं सिंगोनियम को थोड़ा आगे लगा देती हूँ। क्योंकि ये नीचे ही रहने वाला है, ये ऊंचा नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया। टियर का पौधा मैं इस तरफ लगा रही हूँ किनारे पे, ताकि ये नीचे की तरफ गिरे। आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ लगा देती हूँ। हाँ, ये तो ऐसे ही शो के लिए लगा रही हूँ मैं। इसमें मैंने सारे ऐसे प्लांट चूज़ करे, ये पानी से भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें इसको लगा दे रही हूँ डेकोरेशन के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा गार्डन छोटा सा तैयार हुआ है। अभी मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। तो ये छोटी सी मटकी मेरे पास है, ऐसे छोटे छोटे मैंने देखो मिनिएचर टेबल कुर्सी बना रखे हैं। ये टेबल है, तो मैं इसको यहाँ पर फिट करती हूँ। और ये बेंच, ये देखिए मैंने तो ये छोटे छोटे जो मैंने टॉय बनाए थे, ये देखो हट बनाई थी मैंने, और एक हट ये भी है, तो मैं ये वाली हट लगाती हूँ इधर। और ये मैंने बर्ड्स बनाई थी, तो मैं बर्ड्स को इधर बिठाती हूँ गार्डन में। और ये क्यूट सा खरगोश जो मैं मेरे घर के पास में बिठाती हूँ इसको, और ये क्यूट सी बर्ड मैं पहाड़ के पास। और अब वाइट कलर के स्टोन है मेरे पास में, ये मार्बल स्टोन, इसकी जगह रेती भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरे पास में है तो मैं ये लगा रही हूँ। ये देखो ये मैंने आउल वाला ट्री बनाया था, इसको मैं ये अपने घर के पीछे लगाती हूँ इस तरह से। अबे यार वीडियो चालू होगी पहले 4 सेकेंड। तो ये मेरा मिनिएचर गार्डन तैयार हो गया है। ये सब चीज़ें मैंने हाथ से बना करके लगाई है। अब इसमें पानी देना है, तो पानी आप लोग स्प्रे की मदद से दें, क्योंकि इसमें प्रेशर से पानी देंगे तो पौधे ख़राब हो जाएंगे आपके। तो ये मेरा मिनिएचर गार्डन आप लोगों को कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
कैसा लगा मेरा मिनिएचर? ओके, हैप्पी न्यू ईयर सबको, फिर मिलते हैं आप लोगों से और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।